आगरा में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया, उनमें तीन बेटियां और एक बेटा है, चारों ही स्वस्थ हैं। सफल ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने चारों बच्चों को निगरानी में रखा हुआ है। बच्चों का पिता मनोज ऑटो ड्राइवर बताया जाता है, जिसे पहले से ही तीन बेटियां थी और अब परिवार में सात बच्चे हो गए हैं। जिस प्राइवेट अस्पताल में बच्चों को रखा गया है, वहां के डॉक्टर ने उनकी देखभाल और पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी, मगर मनोज ने बताया कि वो काफी परेशान है। डॉक्टर ने मदद का जो भरोसा दिया था वो पूरा नहीं किया। बच्चों को जिस पालना हॉस्पिटल में रखा गया है, वहां उससे प्रति बच्चा एक दिन रखने का 6,000 रुपए और कुल 24,000 रुपए देने हैं, जिसके अलावा 6,000 रुपए की दवाई मंगवाई गई है। बच्चों को अभी और 3 दिन रखा जाना है। ऑटो चालक ब्याज पर पैसे उधार लेकर आया था और बाकी इलाज के लिए पैसों के इंतजाम करने को दर दर भटक रहा है। मामले में मनोज ने बताया कि उसको जुड़वा बच्चों के पैदा होने की जानकारी थी, जहां एसएन मेडिकल इलाज के लिए लाया तो लेडी लॉयल भेजा गया। पीड़ित तो बताया कि जब लेडी लॉयल गए तो फिर से एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया, दोनों ही जगह इलाज नहीं हुआ। मनोज पत्नी के दर्द बढ़ने पर किसी व्यक्ति के जरिए अम्बे अस्पताल पहुंचा, जहां पर 25,000 रुपए दे दिए हैं और 35,000 रुपए और देने हैं, जिसके इंतजाम के लिए अब वो मारा मारा फिर रहा है। मनोज की पहले से ही तीन बेटियां हैं और अब तीन बेटी और एक बेटे ने फिर जन्म ले लिया है। पालना अस्पताल के डॉक्टर मुकेश चौधरी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चारों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने परिवार से बच्चों के मुफ्त इलाज और शिक्षा का भी वादा किया था, मगर वहां भी इलाज के पूरे पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं चारों बच्चों को एहतियात के तौर पर पालना नर्सिंग होम में रखा गया है। बच्चों के पिता मनोज ने कहा कि बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए वो दोगुनी मेहनत करेगा। भगवान ने उसे तीन बेटियां और एक बेटा दे दिया है, सातों बच्चों के लिए वो सातों दिन काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। तीनों डॉक्टरों ने जो मिलके पूरी टीम में और पूरा सक्सेसफुल जो है निर्णय किया और चारों बच्चे, चार बच्चे हुए, उसमें तीन बेटी है और एक बेटा है।